तो भाई साहब ना इनको देख रहे हैं आप, ये बच्ची को लोग ना बड़े बड़े की इधर हालत खराब हो जाती भाई साहब, और ये 2 साल की बच्ची है। तो यार फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और भाई साहब ठंड बहुत लगी है, रात में टेंट में सोए हुए थे यहाँ पे, अभी टेंट को रख दिए हैं, सारा सामान पैक हो गया अपना, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ये शिशु पड़ता है लाहौल शिशु, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अब जाएंगे लेह लद्दाख। यहाँ पे सो रहे थे तो ठंड तो लग रही थी बट फीलिंग भी अच्छी आ रही थी, तो कोई ना अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं। टाइम अभी 5:30 हो रहा है और आज डेट है 18 जुलाई 2021। ये पहाड़ियाँ तो मैं जाना ही नहीं देती यार, बट यही कह के जा रहे हैं कि फिर आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। तो देखो भाई साहब ये नज़ारा, अभी अभी तो यार शुरुआत हुई है। नीचे से ना कुछ लगा अपने कार में और बहुत ज़ोर से आवाज़ आई है, क्या मस्त है यार ये नज़ारे, कुछ भी नहीं है। अभी जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना तो इससे भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत तरीके के मिलेंगे आपको, इसके तो बहुत सारे रंग अभी बदलने वाले भाई साहब। तो हे यार कैसे हो आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आराम से निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको निकलने में, बस एक ही है कि आपको आराम से चलाना है, और यहाँ से ना आप सेडान भी लेके आ सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग फाइनली केलोंग आ गए हैं, और ये केलोंग विलेज है और नीचे ना मार्केट है। बिना जिस्पा आने वाला है, यहाँ से 3 किलोमीटर बाकी है जिस्पा, और इधर ना आपको बहुत सारे कैंप साइट मिल जाएंगे जो लोग कैंपिंग कराते हैं, तो इधर भी आप रुक सकते हैं और कैंपिंग कर सकते हैं, उसका एक अलग ही मज़ा मिलेगा आपको कैंपिंग का। जिस्पा होम स्टे भी मिल जाएगा आपको, बट होम स्टे में वो मज़ा नहीं आएगा जो कैंपिंग में आती है। तो दोस्तों यहाँ पे ना चेक पोस्ट है, आप देख सकते हो पुलिस चेक पोस्ट दर्चा। तो सचिन भाई गए हैं, आते हैं तो बात करते हैं। क्या पूछ रहा था, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, मोबाइल नंबर, कितने लोग हैं, बस बाकी तो कुछ नहीं पूछा यार। चलो चलते हैं। हाँ। इतना चाय का दुकान है, उतना तो इधर शराब की दुकान है। इधर से आने दीजिए, सीधा आने दीजिए, आएगा आएगा, कुछ नहीं, आने दीजिए। हाँ चलिए, हम लोग रहे हैं अभी जिंगजिंग बार में, यहाँ से सरचू लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगा, 50-52 के आसपास होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी चाय पियेंगे भाई साहब, चाय पियेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे सरचू के लिए, फिर सरचू में रुकेंगे, वहाँ पे लंच वगैरह करेंगे, और ये जिंगजिंग बार।
डांस कीजिए तो जिंग जिंग जिंग। तो चलो चाय पीते, बन गया चाय सचिन भाई जी? मैं बना रहा हूँ। हाँ बनाइए आप, उधर देख सकते हो कितने सारे बाइकर्स लोग हैं भाई साहब। पिछले बार ना जब हम लोग आए थे तो मेरा हालत खराब हो गया था, ठंड लग गई थी मुझे, बट इस बार ना अच्छे से तैयार होके आए हैं, एनर्जेटिक होके रहेंगे भाई साहब। इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई साहब, दिलमोहक नज़ारे। हैप्पी के डांस करने का मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर यूपी से, यूपी में मुरादाबाद से, तो अच्छा लगा। अभी आप घर वापस जा रहे हो? हाँ। कैसा लगा जर्नी? बहुत अच्छा। अरे भाई अलग ही दुनिया से जा रहे हो ना? फर्स्ट टाइम आए थे आप? फर्स्ट टाइम। अच्छा हम लोग का ये सेकंड टाइम होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम भी इसी से आए थे। ये अपना डिग्रो है, इसका नाम डिग्रो है। चलो मारो डिग्रो। हाय बोलो बेटा। से हाय। टाटा करो तो हाय बाय करो। मेरा नाम मोहम्मद अजहर शमसी, मुरादाबाद यूपी। ये नबिया दो साल, कितने साल, दो साल तो होगा इसको, एक मिनट हो गया। तो भाई साहब ना इनको देख रहे हैं आप, ये बच्ची को, लोग ना बड़े बड़े की इधर हालत खराब हो जाती भाई साहब, और ये दो साल की बच्ची है और ये ले लद्दाख करके जा रही है। और ये बता रहे हैं चाचा कि ये रात को ना कपड़ा उपड़ा भी नहीं, मतलब ढकते भी नहीं है, ऐसे सो जाते हैं। इनके ब्लड में ना बहुत, मतलब ये हॉट है, हॉट। ड्रीम पूरा करवा दिया इसका बचपन में। लिमका बुक, लिमका में नाम चढ़वा दे, लिमका बुक वो थी ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। बहुत खतरनाक ठन हो रही है यहाँ। अभी आपने देखा ना, बच्ची को ठन नहीं लग रहा है, हमको बड़े लोग को ठन लग रहा है, ठन लगता है। इनको ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, ये अफगानिस्तान से है। लेकिन जो भी कहो बहुत एंजॉय हुआ, मजा आ गया, आप लोग भी आने का सब, मैं तो यही कहो। इनको ठन लगता है बहुत, दुनिया ही अलग है यार, आना चाहिए। ये लोग की अभी हालत खराब, मैम इंटरव्यू देंगे हमारी। और ये भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग दुआ करेंगे आप आगे तक जाओ। थैंक यू। और कभी सफर में आपको परेशानी ना हो, अभी तक तो कहीं नहीं हुई है। आप लोग की दुआ से इंशाल्लाह आगे भी नहीं। आप अच्छा काम कर रहे हो भाई, आगे तक जाओ आप। ये नोएडा गाड़ी यूपी 16 गई। तो ठीक है, आप लोग तो घर जा रहे हैं, हम लोग को तो अभी इधर जाना है। अभी नहीं, अभी 16-15 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। उधर क्या है फिर? 12 लाचा तक बस वापस। अच्छा अच्छा। इन लोगों को पानी पूरा से पीजिए, ठीक रहेगा, पानी पीते रहिए भाई साहब। ये बीज अपना यूपी जाएगा, हालांकि हम लोग यूपी से लगाते हुए आ रहे हैं, ये आपको हम दे रहे हैं, और आप इसको ना अच्छे से लगा दीजिएगा और देख रेख कीजिए। बहुत बहुत जरूर भाई, एकदम बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा, मैं इसको करूंगा। तो हां एक फोटो ले लेते हैं गाड़ी के सामने। चलो तो हम लोग यहां से निकलेंगे, और अच्छा लगा यार, ऐसे जर्नी में अच्छे अच्छे लोग मिलते रहते हैं। क्या फिर मिलेंगे चलते चलते, भाई साहब हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं। और यहाँ से ना अभी पागल नाला है, कितना किलोमीटर है नहीं पता, बट आधा घंटा लगेगा ऐसा उन्होंने बताया दुकान वाले भैया ने, जहाँ पे हम लोग चाय पिए है। भाई साहब एनर्जी तो देख रहे हो, पिछली बार तो अपनी बहुत खराब थी, बट इस बार ना अच्छा लग रहा है, अभी तक तो अच्छा है भाई साहब, आगे जाने के बाद क्या होता है नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो कि यूपी से थे। अभी आपको ले जाएंगे हम एक अलग ही दुनिया में, और आप लोग खो जाएंगे उसमें, फिर हम भी नहीं ढूंढ पाएंगे आपको, क्योंकि हम खुद खो जाएंगे, तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे आपको। ओ भाई साहब देखो ये रास्ता, देखो ये थोड़ी खतरनाक है, और अभी यहाँ पे ना थोड़ी जाम लगी हुई थी, थोड़ी है रिस्की, बट कोई ना, आए मियाँ जहाँ रिस्क है वहाँ रिस्क है। मौज कर दी, आया ना वीडियो अपना दिल मोहक नजारा, क्या बोलते पब्लिक, और ले लो ले लो, पीक ले लो, अच्छे से आनी चाहिए भाई साहब। बट यार वो जो है ना पागल नाला, उसको ना 12 बजे से पहले क्रॉस करना है, नहीं तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कि 12 बजे के बाद ना बर्फ पिघलने लगती है,
और पानी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे, तो कठिनाइयों का सामना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। बट कोई ना, आपको नज़ारे दिखाते हुए जाएंगे भाई साहब। हाँ, अब ये क्या दिखाएंगे नज़ारे, ये तो ट्रक वाले आगे आ गए, सबसे खतरनाक अभी तक का। और ये बर्फ देख सकते हो, बर्फ पूरा जमा हुआ है, और यही बर्फ जब पिघल पिघल के नीचे आता है तो ये पानी के रूप में पागल हो जाता है, कहलाता है पागल नाला। तो आगे है, क्या लोग है यार, ऐसे जगह पे भी ओवरटेक करने के लिए पागल है, सेंस नाम का कोई चीज ही नहीं है। ओ भाई साहब देखो, यहाँ पे ना अपने कार को ये लोग वॉश कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। पूरा आगे देख, सरचू तक ये प्रॉब्लम होने वाली है अपने को। सरचू के बाद तो अच्छा रास्ता होगा। बाइक वाले को देखे अभी आप? हाँ, वो गिर रहा था बंदा। स्कॉर्पियो वाले को देखे? और यहाँ से भी अपना डीक्रो आराम से निकल रहा है बिना किसी दिक्कत के। प्यार से चलाना पड़ता है इसे, धीरे धीरे प्यार से, जाने दो, टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, आराम से आप निकल जाओगे। हाँ, बाइक वाले को थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि नीचे ना बहुत सारे पत्थर है, तो उस पर ना बाइक ये होता है। ओ भाई साहब, क्या नजारा है आगे का, क्या बात है, कुछ ज्यादा बोल दिया मैं? नहीं तो अच्छा है नजारा, फील करो आप, फील करो आप, हम सफर इंडिया के साथ हो जनाब। तो एक महत्वपूर्ण सूचना, कृपया ध्यान दें दोस्तों, ध्यान दो ऐसा होता है ना, बस में होता है ना, मुद्दे पे आते हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या यार फालतू में घूम रहा है, इधर कौन सा बीज आप लगा रहे हो। तो देखो, आपकी बातों में दम है, हम लोग इधर बीज नहीं लगा सकते क्योंकि चांसेस बहुत कम है उगने का। बट भाई साहब, सिर्फ बीज लगा देने से नहीं होता है, हमें ना लोगों को जागरूक भी करना है, लोगों को अवेयर करना भी एक बहुत बड़ी बात है, मिशन का हिस्सा ही है वो। हाँ, मिशन का हिस्सा ही है। तो हम लोग ना अभी जो जा रहे हैं इधर, तो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और अलग अलग स्टेट के, तो उनसे बात करते हैं, उनको बतला रहे हैं कि भाई साहब ये मिशन हमारी। तो लोग जैसे ही सुनते हैं, अरे भाई साहब कितने बड़े काम कर रहे हो आप, और वो अपने खुद मुंह से बोल देते हैं कि भाई साहब हम घर पे जाएंगे तो हम लोग भी ये मिशन को स्टार्ट करने वाले रहेंगे और हम लोग भी बीज लगाएंगे। तो यार ये सबसे बड़ी बात है, लोगों को ना अवेयर करना सबसे बड़ी बात है। हाँ, बीज हम लोग खुद लगा रहे हैं, बट सिर्फ हम दोनों के ना लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सारे लोगों को भी पता है। तो लोगों को ना उस चीज़ के लिए ना तैयार भी करना है कि कल के डेट में ना ऐसे हॉर्नों के बीज मिशन वाले लाखों होने चाहिए भाई साहब, लाखों होने चाहिए, और होंगे, पूरा विश्वास है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक होंगे कामयाब। तो भाई साहब ये नज़ारे देखो आप, ये दिलमोहक नज़ारे, हाँ ये दिलमोहक नज़ारे ही है। हाँ, इंटू 100 आप लगा सकते हो, बट दिलमोहक रहना जरूरी है भाई साहब, दिलमोहक को आप साइड नहीं कर सकते हो,
आ सकते हो आप लोग भी स्विफ्ट को लेकर। हाँ बट थोड़ी सी ना वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे से चलाना है, थोड़ा प्यार से चलाना है। ऐसा नहीं कि खुद गा के लेके जा रहे हो, आप ऐसा अगर सोचोगे कि एक्सीलेटर दबा के जा रहे हैं तो जल्दी निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना आप प्यार से चलाओगे, जितना आप धीरे से चलाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो बस यही बताना था, आप आ सकते हो भाई साहब लेह लद्दाख स्विफ्ट से भी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वही ध्यान रखना है कि प्यार से चलाना है। चलो आगे भी बढ़ते हैं। हाँ वो K S H ऐसा ही है। S K मतलब बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो। S H पूरा गुजरात से। S H साल में 3-4 बार अहमदाबाद आओ। फिर आप तो मुंबई से हम लोग ऑल इंडिया टूर कर रहे हैं। अच्छा आगे कुछ मैंने देखा, मेरे को ऑल इंडिया टूर है, आइए दिखा दे। तो अभी ना हम लोग जा रहे थे तो इनके कार के पीछे देखे यूट्यूब का सिंबल, तो भाई साहब जब वो दिखता है तो मन करता है कि रुके थोड़ा बात करे। बिल्कुल ये कहाँ गुजरात में अहमदाबाद से, तो हम लोग जाएंगे तो उधर मुलाकात होगी। और इनका चैनल का नाम है भाई साहब KSH, आप लोग एक बार सर्च कीजिएगा, ठीक है। सर्च बेबी को। अरे अब ये नजारे लो प्रेजेंट करते हैं आप लोग के सामने। देखो मैं क्या बोला था कि अलग अलग रंग के पहाड़ दिखेंगे, रंग अलग दिखेंगे, ढंग अलग दिखेंगे। तो भाई साहब यहाँ भी है एक चेक पोस्ट, यहाँ भी शायद एंट्री वगैरह करानी पड़ेगी, तो देख लेते हैं। और ये देखो भाई साहब बाइकर्स लोग सारे हिमालयन से। भाई साहब यार क्यों दिखा रहे हो हमें हिमालयन। तो फाइनली हम लोग सरचू आ गए हैं और ये वही जगह है जहाँ फटी थी हम लोग की पिछली बार। तो भाई साहब यहाँ पे जाम लग गई है क्योंकि वहाँ पे ना ट्रक फंस गया है, वो आगे बढ़ेगा तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भाई साहब हम लोग अभी सरचू में हैं और यहाँ पे रुके हैं कुछ पेट पूजा करने के लिए, हल्का फुल्का कुछ कर लेंगे जिससे मतलब थोड़ा एनर्जी रहे बॉडी में। भाई लोग देखो आपका नाम सर जी? भावेश पारेख। और आपका सर जी? राजेश भाई। सर जी आपका? राहुल। अच्छा और भाई साहब ये सारे लोग ना गुजरात से आ रहे हैं लद्दाख, वो भी दिखाते आपको बाइक कौन सा है। होंडा साइन। होंडा का होंडा साइन, होंडा साइन और एक उधर पल्सर GH03। तीसरी बार लद्दाख कर रहा है, तीसरी बार। आप तीसरी बार आए हो इसको लेके? यही लेके तीसरी बार आया हूँ। अरे क्या किलर किस्तवार दो बार किया। अच्छा, यही बाइक पे। अच्छा अच्छा। और स्पीटी जो लावल स्पीटी है, हाँ, वो भी 3 बार किया, 17, 18, 19 पूरा।
कई जगह प्रॉब्लम नहीं आती है, है? प्रॉब्लम कहीं बाइक में नहीं, प्रॉब्लम मेरे पंचर भी नहीं पड़ा है आज तक। हाँ क्या, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, वो ठीक ठाक कर लेते हैं हम। अच्छा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैकअप वाहन नहीं है साथ में बस। क्या आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। लद्दाख में चौथी बार कर रहा हूँ यही बाइक पे। इसी बाइक पे? इसी बाइक पे। और किलर फिस्ट सवार तो डेथ रोड है ना, वर्ल्ड का डेथ रोड है पूरा, डेंजर डेडलीस्ट डेथ रोड। किलर किस्तवार वो मैं दूसरी बार करके यहाँ से टांडी होके ले में बस अब ले जाऊंगा और ले पूरा करूंगा, खरदुंगला टॉप, पेंगुल लेक, नुबरा, टुक टुक। और अगली बार सोमुरारे गए थे हम, देख लो देख लो। जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास हिमालय अंदर ना जुनून होना चाहिए यार, बाइक कोई मेंटेन नहीं करता है कि आपके पास हिमालय नहीं होना चाहिए। साहब हम लोग यहाँ पे मैगी खाए हैं अभी सरचू में और यहाँ से भी निकलने वाले हैं। एक चीज आप लोग को बता दे कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं ना और स्टे करना चाहते हैं रात को, तो आप लोग ना यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं रात को। उसके लिए ना 200 लगेगा आपको पर नाइट के हिसाब से पर पर्सन। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको यहाँ आते आते रात हो जाए तो आप लोग यहाँ पे रुक सकते हो और स्टे कर सकते हो, यहाँ पे सुविधा है सारा। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे सरचू से, अब ना रास्ता अच्छा ही मिलेगा, होप सो। अच्छा नहीं मिलेगा, इससे भी खराब मिलेगा। लास्ट टाइम आए थे तो अच्छा था उधर, ये अभी तक बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा रोड है। लास्ट टाइम तो उधर भी अच्छा था, आगे रोड ही नहीं है। अब जाओ भैया बोले उधर और खराब है। ओ भाई साहब देखो ये क्या है, रेगिस्तान जैसा लग रहा है, कोई फिक्स रास्ता है ही नहीं, जिधर से मन उधर से डाल दो भाई साहब। भाई साहब ये जो बड़े बड़े पहाड़ के टीले है ना, ये ना शायद हमसे कुछ कह रही है, और वो ये कह रही है कि भाई साहब तुम जहाँ जा रहे हो वो जन्नत है, जन्नत तक जाने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो कठिनाइयों का सामना करो और जन्नत तक पहुंच जाओ। बट भाई साहब एक बात आपको मैं बता दूं, जो मजा सफर में है वो मंजिल में नहीं। हाँ ये बात है कि थोड़ी कठिनाइयां होती है, बट ये नज़ारा ना कभी आपको ये महसूस नहीं होने देगा कि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, हमेशा आप खुश ही रहोगे यार जैसे हम लोग खुश हैं। वो तो आपको दिखाई ही दे रहा होगा। इतनी खुशी देखो भाई साहब, अब एक अलग ही नजारा है आप लोग के सामने आ गया। ये बदलते रहता है, कितनी बार बोलूं मैं, बांग है यहाँ से 60 किलोमीटर। रास्ते थोड़े खराब है, पिछले बार से ज्यादा खराब इस बार, इतना ऑफ रोडिंग नहीं था पिछले बार। धीरे धीरे आने दो ओए। वाह
वहाँ पे जाना हम लोग को सबसे टॉप पे, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी तो वहीं पे जाएंगे भाई लोग। कितना मेहनत कर रहे, चलो कोई नहीं, चलो बाय बाय। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे बाइकर्स लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, चाय वगैरह ले रहे हैं सब लोग। हम लोग भी थोड़ा रुके हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सोचे आपको नज़ारा भी एक बार कार से उतर के दिखा देते हैं और थोड़ा यहाँ पे चाय वो भी पी लेते हैं और एक दो पिक भी ले लेते हैं। कम नहीं है, अभी भी बहुत ऊँचाई पर जाना है, बट यहाँ पर ना थोड़ा नीचे आए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऊपर तो भाई साहब बहुत हालत ख़राब हो गई थी सर, पूरा से मतलब पकड़ लिया था, भारी लग रहा था सर, पूरा भारी लग रहा था। ओह माय गॉड, सच में ऊपर ना हाई एल्टीट्यूड होने के कारण सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है भाई साहब। अभी आ गए हैं सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले जगह पे, लाचुंगला 60,660 फीट ऊंचाई पे है, सबसे हाईएस्ट है इस रोड पे। तो भाई साहब फाइनली हम लोग लाचुंगला से निकल रहे हैं। ये लाचुंगला था जो कि 16,616 फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ से अब है 9 किलोमीटर मात्र, मात्र 9 किलोमीटर वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम रोड्स, डेडलीस्ट रोड्स ऑफ इंडिया। एक तरफ इतनी गहरी खाई है और दूसरी तरफ देखो कितना बड़ा पहाड़ है। गॉड टू सी ग्रेट, लद्दाख बना दिया तुसी। अब फाइनली हम लोग पांग पहुंच गए हैं और लास्ट टाइम भी हम लोग यहीं रुके हुए थे नाश्ता वगैरह करने के लिए। देखते हैं अभी क्या है यहाँ पे, करेंगे आप डांस? करो डांस। हाँ पहले चाय पी लेते हैं। देखो यार अब क्या मजा आ रहा है भाई साहब, रोड भी मस्त, पहाड़ भी मस्त और अपना एनर्जी भी मस्त, सारा चीज मस्त ही मस्त। सच में ये कुछ अलग ही है, सारे रास्तों से अलग है ये, एकदम से हाईवे भी मक्खन की तरह बनाई गई है भाई साहब। नजारा क्या ही कहना भाई साहब, आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लगा।